गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर के न्यूली लॉन्च कलर करेक्टिंग प्राइमर का रिव्यू। वो है आपका द मोस्ट एलिजिबलर करेक्टिंग प्राइमर। पहले मैं आपको उसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। तो ऐसे पैकेजिंग में आता है, ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स है एंड उसके अंदर ऐसे ये स्क्वीजी ट्यूब है। इसमें आपको प्रोडक्ट रिसीव होता है 30 ग्राम और इसका MRP है 799 रुपीज। अभी न्यूली लॉन्च है एंड वैसे भी शुगर पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो आई एम श्योर ये आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अच्छी चीज ये है कि ये शुगर ने 3 डिफरेंट शेड्स में लॉन्च किया है। मैं आपको तीनों ही शेड्स के स्वॉचेस दिखा दूंगी। 2 शेड आपको अपने फेस पर लगा के डेमो दिखा दूंगी, 3rd शेड मैं नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज जो 3rd शेड है वो ग्रीन है, वो काफी फेयर लोगों के लिए है एंड ऑल्सो उनके लिए जिनकी स्किन पे काफी रेडनेस रहती है। आई एम नॉट वेरी फेयर एज यू कैन सी एंड मेरी स्किन पे कहीं रेडनेस है भी नहीं, तो मैं ग्रीन वाला लगा के नहीं दिखा पाऊंगी। इसका ऑरेंज कलर करेक्टर एंड पीच करेक्टर मैं आपको अपने पूरे फेस में लगा के अच्छे से दिखा दूंगी एंड उसके ऊपर फाउंडेशन भी अप्लाई करके दिखा दूंगी। तो पहले आपको तीनों ही शेड्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट है आपका 01 एंड बॉक्स के ऊपर यहाँ नंबर लिखा हुआ है एज यू कैन सी। एंड ऑल्सो गाइस मुझे एक चीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी, शुगर की यहाँ पे पूरा इंग्रीडियंट लिस्ट मेंशन किया हुआ है। कि बहुत लोगों को रहता है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दिया हुआ है, यहां पूरी लिस्ट मेंशन है, आप चाहो तो यहां पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट है आपका ये पीच कलर करेक्टर। सो पीच कलर बेस्ट है उनके लिए जिनकी स्किन बहुत फेयर होती है, मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए पीच कलर करेक्टर परफेक्ट है। एंड ऑल्सो ये डलनेस को टैकल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सपोज आप कहीं वेकेशन पे गए हुए हो, ढंग से नींद नहीं हो पा रही है, ये आपका बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, ये आपकी कुछ तबीयत खराब हो गई है जैसे मेरी कुछ दिन से थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट कुछ दिन से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, आई वॉज नॉट वेल एंड एक्चुअली स्टिल आई एम नॉट कम्प्लीटली वेल, तो उसकी वजह से मेरी स्किन काफी डल लग रही थी। अभी आप वीडियो में देख लोगे जब मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी तो स्किन में थोड़ी ना डलनेस हो गई थी बिकॉज थोड़ी तबीयत खराब थी तो स्किन केयर भी प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने आज इसको अप्लाई किया है और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी अच्छी और फ्रेश लग रही है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल पीच कलर करेक्टर। तो आपकी स्किन में अगर डलनेस है, डार्कनेस है, या अगर आप बहुत फेयर स्किन के हो और आपको डार्क सर्कल है थोड़ा बहुत, तो फेयर स्किन के लिए पीच कलर करेक्टर उनके डार्क सर्कल को कंसील करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये 02 ऑरेंज कलर करेक्टर और इस शेड का नेम है ऑनवर्ड ऑरेंज। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज आई नो सामने मॉनसून स्टार्ट होने वाले हैं अभी एंड मुझे साइनस है तो मॉनसून में मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होती रहती है। जो डार्क सर्कल है ना उतने ज्यादा नहीं है मेरे, बट जब तबीयत खराब होती है तो थोड़े डार्क सर्कल मेरे थोड़े डार्क हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे मेरे बहुत काम आएगा। या अगर आपको डार्क सर्कल है जो कि बहुत नॉर्मल है लोगों को डार्क सर्कल होना, या माउथ के आसपास इंडियन स्किन में मोस्टली गर्ल्स को मोस्टली वुमेन्स को उनके माउथ के आसपास पिगमेंटेशन होता है, या मेरे जैसे हो आप जिनको जिसको फोरहेड पे थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है, डिसकलरेशन पिगमेंटेशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, तो आप उसको इस ऑरेंज कलर करेक्टर से कंसील कर सकते हो। स्पेशली अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है या थोड़ा सा आप टैन साइड में हो, मीडियम टू टैन स्किन के लिए ये ऑरेंज कलर करेक्टर बेस्ट है। आज मैंने लगाया है एंड लेट मी टेल यू मैंने कोई कंसीलर नहीं लगाया है उसके ऊपर, जस्ट फाउंडेशन से कवर किया और इतने अच्छे से कवर हो गया। आप अभी देखोगे कि मेरे डार्क सर्कल दिख रहे थे और मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया उसी से ही काफी अच्छे से ढक गया था। और एक अच्छी चीज ये है इस करेक्टर की कि ये बहुत ज्यादा ना डीप पिगमेंटेड ऑरेंज नहीं है जिसके लिए आपको कोई फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए या 2 लेयर ऊपर से कंसीलर की चाहिए। अगर आप मेरी तरह से हो जिसको लाइट बेस पसंद है, हाफ पम्प फाउंडेशन लिया बस लगा लिया और बहुत ज्यादा नहीं लगाना पसंद है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। इसे मैं आपको एक बात और बताना भूल गई इसके बारे में कि इसका एक एडवांटेज ये है कि ये कलर करेक्टर के साथ साथ प्राइमर भी है, तो आपको 2 लेयर नहीं लगानी पड़ेगी स्किन के ऊपर कि आपको अलग से प्राइमर भी लगाना है बिकॉज ओपन पोर्स थोड़ा लाइंस सबके स्किन में होता है एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो हम लोग प्राइमर लगाते हैं फिर कलर करेक्टर लगाते हैं, तो इससे आपका वो 2 लेयर की जगह एक ही हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा और आपकी स्किन के ऊपर 2 लेयर नहीं बैठेगी, पोर्स क्लॉग नहीं होंगे बिकॉज आप 2-2, 3-3 लेयर नहीं कर रहे हो। तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इससे आपकी स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है बिकॉज दिस इज अ प्राइमर। मैं थोड़ा सा आपको अपने हाथ पे ऑरेंज वाला लगाकर दिखाती हूँ। देखोगे आप ये ऐसा ऑरेंज दिख रहा है जब मैंने निकाला है, काफी डार्क है, अभी मैं इसे अप्लाई करूंगी ना तो ये काफी लाइट हो गया है। सी काफी लाइट हो गया, आप देखोगे मेरी स्किन में काफी मैट लग रहा है, ये स्किन को इसने ब्लर भी कर दिया है, स्मूथ भी कर दिया है, मैट भी कर दिया है, बट बहुत ड्राई नहीं किया है। काफी बहुत सारे मैटिफाइंग प्राइमर ऐसे होते हैं स्किन को ड्राई कर देते हैं, फिर इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो वो पैची हो जाते हैं या आपके ड्राई पैचेस पे वो क्लिंग करने लगते हैं, अच्छे से सेट नहीं होते हैं, बट ये स्किन को ड्राई नहीं करता है, मैटिफाई कर देता है, स्मूथ कर देता है। ये मुझे इसका अच्छा लगा कि आपको 2 लेयर नहीं लगाना है, प्राइमर और करेक्टर एक ही में हो गया, स्किन भी स्मूथ कर रहा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, आपको ट्राई करना, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 3 वीक्स है, मैं इसे रेगुलर यूज कर रही हूँ, ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया एंड तीनों में मेरा सबसे फेवरेट है ऑरेंज करेक्टर। आई थिंक मोस्ट इंडियन गर्ल्स को ऑरेंज करेक्टर की ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज मीडियम कॉम्प्लेक्शन वालों को सबसे ज्यादा यही काम आता है। ओके लास्ट जो है वो है आपका, ये है 03 जेड जॉकी, ये है आपका ग्रीन करेक्टर, ये देखो
उतना डार्क ग्रीन नहीं है कि आपको इसके ऊपर अलग से बहुत ज्यादा कोई लेयर लगानी पड़े। मुझे बहुत ज्यादा करेक्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको कोई फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए, फिर कंसीलर भी चाहिए, एंड मुझे बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं पसंद है। चाहे मैं पार्टी के लिए रेडी हूँ या किसी फंक्शन के लिए या एवरीडे के लिए, मुझे बहुत लाइट बेस पसंद है, यू गाइज नो। तो ये काफी अच्छा है। एंड और एक चीज, अच्छी चीज ये है कि जब आप इसको अंडर आईज पे लगाओगे ना अपने, जैसे अगर आप बहुत फेयर स्किन के हो तो आपने पीच करेक्टर लगाया अपने अंडर आईज पे अपने डार्क सर्कल को कंसील करने के लिए, या आप मेरी तरह से वो मीडियम स्किन के आपने अपने अंडर आईज पे ऑरेंज करेक्टर लगाया, और अगर आपको आपके अंडर आईज पे क्रीजिंग का प्रॉब्लम है, या आप चाहे कंसीलर नहीं भी लगाते हो, थोड़ा सा फाउंडेशन कोई अंडर आई पे लगा लेते हो ना, तो भी वो क्रीज करने लगता है। तो बिकॉज ये प्राइमर भी है, करेक्टर भी है, तो इसका प्राइमर की वजह से आपकी अंडर आई में जो भी लाइन्स है ना, ये उसको फिल कर देगा, स्मूथ कर देगा, उससे आपकी अंडर आई में जो क्रीजिंग होती है ना वो भी नहीं होगी। एज यू कैन सी मैंने अभी लगाया हुआ है, मेरे कोई क्रीजिंग नहीं हो रही है, और मैं लिटरली शूट करने के लिए फैन एसी मैंने सब ऑफ किया हुआ है, बिल्कुल मेरे रूम में कोई फैन नहीं चल रहा है, उसके बाद में भी एज यू कैन सी कोई क्रीजिंग नहीं है, बहुत देर से शूट कर रही हूँ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय शुगर गाइस, ऑनेस्टली ये प्रोडक्ट मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं इनकी तारीफ कर रही थी। सो यस, ये तीन शेड में लॉन्च हुए हैं। अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देती हूँ अपने फेस पे लगा के, कि जब मैं इसको अपने अंडर आईज पे लगाऊंगी तो आप देखोगे कि मेरे डार्क सर्कल है। एंड एज आई सेड कि मेरी लास्ट कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बिकॉज कोलकाता में बारिश हो रही है एंड मुझे साइनस है, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा फीवर हुआ हुआ था। तो आप देख सकोगे मेरे डार्क सर्कल भी थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, मेरी स्किन भी काफी डल लग रही है। तो जैसे ही मैंने ये करेक्टिंग प्राइमर लगाया, मेरे डार्क सर्कल्स भी इससे अच्छे से हाइड हो गए, मेरी स्किन में भी जो डलनेस थी वो भी चली गई। एंड सिर्फ और सिर्फ हाफ पम्प फाउंडेशन मैंने लिया है अपने फेस के लिए, अलग से कोई कंसीलर नहीं लिया है। कोई भी करेक्टर लगाओ तो वो नीचे से फिर अलग से दिख रहा होता है, उसको ढकने के लिए, उस करेक्टर को ही ढकने के लिए आपको दो लेयर लगानी पड़ जाती है। एज यू कैन सी मेरा नीचे से कोई ऑरेंजनेस नहीं दिख रही है, स्किन पे अलग से कुछ पीच पीच नहीं दिख रहा है। तो चलो आप फटाफट इसका एक डेमो देख लो। डेमो आपने देख लिया। एंड एक चीज अगर मैं आपको बोलना भूल गई, तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है। काफी बारी चीजें होती है जब आप इसको लगाते हो तो लगता है कि हाँ आपने अपने फेस पे कुछ लगाया है, कुछ है मेरे फेस के ऊपर। इसको लगाने से ऐसा नहीं लगता कि आप अपने फेस पे कुछ लगाया है, बहुत लाइट वेट और काफी लाइट टेक्सचर का है ये। मैं मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको, अगर आपका मीडियम स्किन टोन है तो आप ये ले सकते हो, और अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, आपको फेस पे बहुत एक्ने मार्क्स होते हैं, तो आप ग्रीन करेक्टर ले सकते हो। अगर आपको काफी एक्ने रहता है, एक्ने मार्क है या स्पॉट्स है आपके फेस के ऊपर, पहले कभी एक्ने हुए थे उनकी स्पॉट्स है, तो उनको कवर करने के लिए आप ये ग्रीन वाला कलर करेक्टर ले सकते हो। और अगर आप मीडियम टू फेयर या फेयर स्किन टोन के हो और आपको अपने फेस की डलनेस कवर करनी है, या आप थोड़ा बहुत डार्क सर्कल या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पीच कलर करेक्टर ले सकते हो। आपके लिए पीच कलर करेक्टर अच्छा होगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।